देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का हंगामा हुआ है। विश्वविद्यालय परिसर की दीवारों पर लिखा भ्रष्ट कुलपति, तो कार्यालय अंचल के 400 कॉलेजेस को कंडीशनल संबद्धता का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं कंडीशनल संबद्धता रद्द करने की मांग भी है। तो कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन, जांच कमेटी की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। लेकिन एनएसयूआई कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, बाहर निकलकर हंगामा करते हुए कुलपति कक्ष की दीवार पर काले रंग से भ्रष्ट कुलपति कार्यालय लिख दिया गया है। साथ ही अधिकारियों और ऑफिसों के गेट के बाहर भी भ्रष्ट कुलपति के पोस्टर लगाए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और वहां पर हंगामे के बीच एक हफ्ते में जांच कर कार्रवाई करने की कुलपति ने आश्वासन दिया है। तो देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से छात्र जो है वो विरोध कर रहे हैं, एनएसयूआई के छात्र, जहां पर ये विरोध करते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई छात्रों का ये हंगामा। परिसर की दीवारों पर भ्रष्ट कुलपति कार्यालय लिखा गया, 400 कॉलेजेस को कंडीशनल संबद्धता का विरोध कर रहे हैं एनएसयूआई के ये छात्र। तो वहीं देखिए, कुलपति ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही पूरे मामले में। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दीवारों पर लिखा जा रहा है, और देखिए ये कहा जा रहा कि इन दीवारों पर लिखा है भ्रष्ट कुलपति कार्यालय। तो वहीं कुलपति ने आश्वासन दिया है कार्रवाई का पूरे मामले में। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का यह हंगामा हुआ है। परिसर की दीवारों पर लिखा भ्रष्ट कुलपति कार्यालय, 400 कॉलेजेस को कंडीशनल संबद्धता का ये विरोध कर रहे हैं एनएसयूआई के तमाम छात्र। कंडीशनल संबद्धता रद्द करने की इनकी तरफ से मांग की जा रही है। तो वहीं कुलपति ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्वालियर से ये बड़ी खबर, जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का ये हंगामा देखा जा सकता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जो छात्र हैं वो भ्रष्ट कुलपति कार्यालय लिखते हुए नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई के ये छात्र हैं, जहां पर ये देखिए किस तरह से दीवारों को इनकी तरफ से गंदा किया जा रहा है, और देखिए जगह जगह उनकी तरफ से एक पोस्टर भी चस्पा किया गया है। जीवाजी विश्वविद्यालय का में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय की, जहां पर एनएसयूआई के छात्र हंगामा कर रहे हैं और 400 मेडिकल कॉलेजेस को कंडीशनल संबद्धता का ये विरोध कर रहे हैं। कंडीशनल संबद्धता जो है वो रद्द करने की एनएसयूआई छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है, और जिसके विरोध में इस तरह का काम करते हुए दीवारों पर लिखते हुए तमाम स्टूडेंट्स एनएसयूआई के। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, विरोध करते हुए तमाम छात्र नजर आ रहे हैं, क्या इनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है? किस तरह की जानकारियां आप इस वक्त यूनिवर्सिटी प्रशासन से आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, मैं बता दूं कि ग्वालियर अंचल के जो प्राइवेट जो कॉलेज है जिनकी संबद्धता देने का एक मामला है, और उसी मामले को लेकर लगातार बीते एक हफ्ते से हंगामा चल रहा है। इस मामले में जो ईसी मेंबर है यानी कि जीवाजी विश्वविद्यालय के कार्य परिषदों की बैठक में भी हंगामा हो चुका है। वहाँ निर्णय ये लिया गया था, जो कॉलेज है जिनको संबद्धता दी गई है, यानी कि ऐसे अंचल के 400 कॉलेज है जिनको संबद्धता जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है, लेकिन इन जो कॉलेज है इन्होंने दस्तावेज अपने उपलब्ध नहीं कराए, यानी कि दस्तावेज में वहाँ पे जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, उनके बैंक अकाउंट, आधार कार्ड की डिटेल मांगी गई थी, और इसमें ये तय किया गया था इन शर्तों के आधार पर इनको कॉलेजों को संबद्धता दी गई थी, 31 जुलाई तक ये अपने दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आज 2 अगस्त हो गई है, किसी भी प्रकार के किसी भी कॉलेज ने अपने जो दस्तावेज हैं उपलब्ध नहीं कराए हैं। 400 में से सिर्फ 65 कॉलेजों के दस्तावेज जमा हो चुके हैं विश्वविद्यालय पे, और उन दस्तावेजों की जांच चल रही है। इस मामले में यूनिसाई, जैसे कि मैंने पहले कहा, एनएसयूआई लगातार एक हफ्ते से हंगामा कर रही है। मंगलवार को भी इन्होंने हंगामा किया था। छात्रों की मांग है, ऐसे जो बोगस कॉलेज हैं जिनके पास ना तो फैकल्टी है ना ही स्टाफ है, और फर्जी तरीके से ये चल रहे हैं, जिनको जीवाजी विश्वविद्यालय है
संबद्धता दे दी है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय पर हमला बोला है। और कल इस हमले को लेकर ये कुलपति से मिले थे और आज भी कुलपति से उनकी मीटिंग है एनएसयूआई के छात्रों की, और मीटिंग में उन्होंने यही बात रखी थी कि जो कॉलेज है इनकी संबद्धता को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। हालांकि इस मामले में जब ईसी की बैठक हंगामा हुआ था तो उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई है। ये जांच कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रबंधन को सौंपी नहीं है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का ये कहना है छात्रों से कि रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हंगामा पड़ा। वही तो देखिए, कुलपति ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे सहयोगी बोल रहे थे कि रिपोर्ट जांच कमेटी की तरफ से दी गई है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारियों के लिए।